हेलो दोस्त, माय नेम इज़ सौर। आज डेट 19 मार्च है और 19 मार्च 2023 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जो आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए हम ज़्यादा देर बात ना करते हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। जैसे बताएंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है, बताएंगे अफगानिस्तान जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित देश रहा है। बताएंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार भारत को 25 सबसे खराब आतंकवाद प्रभावित देशों में सूचीबद्ध किया गया है था। बताएंगे किस राज्य में नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग एनवायरमेंट एंड रेसिडेंट एग्रीकल्चर थीम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया था, बताएंगे मणिपुर में क्या किया गया है, शुरू किया गया है। बताएंगे मणिपुर के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने 17 मार्च 2023 को मणिपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग एनवायरमेंट एंड एशियाटिक एग्रीकल्चर थीम पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बताएं किस राज्य ने किन राज्यों में 19 नए जिलों और 3 नए मंडलों की घोषणा की है, बताएंगे राजस्थान में। बताएंगे राजस्थान का जो मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। कौन है मुख्यमंत्री, बताएंगे अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को राज्य में 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की। बताएंगे नए जिला निर्माण के प्रस्ताव की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और समिति की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा ने घोषणा की। बताएंगे हाल ही में किस राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली, बताएंगे मेघालय को इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। बताएंगे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR ने घोषणा की कि मेघालय को मार्च 2023 में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। NFR ने 15 मार्च 2023 को दूधनाई मेदी पाथर लाइन सेक्शन और उभरीपुर पंचरत्न डबल लाइन सेक्शन का विद्युतकरण पूरा किया है। बताएंगे PM मित्र योजना के तहत कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा, बताएंगे 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 17 मार्च 2023 को घोषणा की कि PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल्स PM मित्रा ने। बताएंगे योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। बताएंगे यूक्रेन को लड़ाकू जेट प्रदान करने वाला पहला नाटो देश कौन सा देश है, बताएंगे पोलैंड है। बताएंगे पोलैंड ने राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा, पोलैंड के जो राष्ट्रपति कौन है, बताएंगे आंद्रेज डूडा ने आने वाले दिनों में 4 सोवियत युग की MiG-29 लड़ाकू जेट विमान को यूक्रेन भेजने की घोषणा की है। बताएंगे नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, बताएंगे राम सहाय प्रसाद यादव को चुना गया है। राम सहाय प्रसाद यादव 17 मार्च 2023 को नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। बताएंगे हाल ही में जनता राष्ट्र समाजवादी पार्टी के राम सहाय ने CPNUML के अष्टलक्ष्मी साक्या और जनमत पार्टी की ममता झा को हराकर देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने। बिपिन द मैन बिहाइंडिंग द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है, बताएंगे रचना बिष्ट रावत ने की है। यह पुस्तक जनरल बिपिन रावत के जीवन व्यक्तित्व और सिद्धांत पर केंद्रित है जिन्होंने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्य किया है। बताएंगे 17 मार्च 2023 को पशु चिकित्सा और आयुर्वेद के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। बताएंगे हाल ही में कहाँ पर हुआ था, तो हरिद्वार में था। हाल ही में 17 मार्च 2023 को हरिद्वार में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल परिसर में बताएंगे पशु चिकित्सा और आयुर्वेदिक का जो विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। 10 नवंबर बताएंगे कौन 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाईमतार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पार्क
जलमड्रू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाला भारतीय कौन बना है? बताएं संपत्ता रमेश सोलर बने हैं। तैराक संपत सोलर 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नर से तमिलनाडु के धनुकोड़ी तक पार्क जल मगडरू को अंडर 21 समूह में सबसे तेज तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने। दोस्तों यह रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले परीक्षा में महत्वपूर्ण